अब भाई साहब शांति कहीं उधर है, वो रोड पे आए जा रहा है, जा रहा है, पिछले 5 मिनट से पीछे हो रहे हैं, हो रहे फिर भी रोड पे चले जा रहा है, चले जा रहे हैं अभी जा रहे हैं पीछे, हमारे सामने भाई वहाँ की थोड़ा उस तरफ है। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक, सुप्रभात। तो कैसे हो आप लोग, एक वापस से नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। फिलहाल मैं हूँ पार्क में ही, मोचिंगसोंग नेशनल पार्क जो फॉल पार्क है उसी में हूँ। आज दूसरा दिन है पार्क में, तो आज हमारा जाने का प्लान था इक्वेटर, बट मुझे लगा जब सफारी बाइक है ही, सफारी कार है ही, तो क्यों इक्वेटर जाएं। तो हम लोग वापस से आ गए पार्क देखने के लिए। अब पार्क में अलग अलग एनिमल्स को देखेंगे। वैसे हमारे सामने एक हाथी भाई साहब, हाथी मेरे साथ ही खड़े हैं, रास्ता ठीक रखा है उन्होंने, रास्ता जाने नहीं दे रहे। आपको मैं रास्ता दिखाता हूँ, ये है भाई साहब हाथी। भाई साहब खाना खा रहे हैं, भाई साहब देख लो, उसके ऊपर एक कौवा बैठा हुआ है भाई। चलो कोई नहीं, जाओ भाई पास पास जाओ, हमें भी निकलना है भाई। नहीं निकलेगा ये, चलो निकल जाओ ब्रेडन। दबाई एनिमल्स गेट 100% राइट अवे, इट्स ओके, इट्स ओके, दबाई दबाई। नाइस बिग टास्क, शी यस, शी इज नाइस बिग टास्क। ये भाई हाथी मेरे साथ ही, हाथी बाय दस विदानिया। They can run really fast. So that faster than this car? They probably run about 40 kilometers per hour. We can drive 180 kilometers per hour. तो भाई एक हाथी ने kind of हमारे ऊपर हमला कर दिया। अब भाई साहब हाथी कहीं उधर है, वो रोड पे आए जा रहा है पिछले 5 मिनट से पीछे हो रहे हैं फिर भी वो रोड पे चले जा रहा है अभी जा रहे हैं पीछे, हमारे सामने है भाई वो हाथी, कुछ थोड़ा उस तरफ है, और उसकी वो हाथी की पूरी फैमिली उधर है। दिमाग खराब कर रखा हाथी ने भाई, चलो उसका घर है, हमें उसके अनुसार चलना चाहिए हाथी के अनुसार। मेरा कैमरा नीचे गिरा तो हाथी भाई साहब कुचल के निकल जाएंगे, मेरा फोन और नीचे गिरा तो हाथी भाई साहब कुचल के निकल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी देखता हूँ हाथी भाई साहब अभी भी फॉलो कर रहे हैं यार, हालांकि वो फास्ट नहीं दौड़ रहे, अच्छी बात है, लेकिन फॉलो कर रहे हैं, स्लोली फॉलो कर रहे हैं। 1 किलोमीटर बैक चल रहे हैं हम लोग, 1 किलोमीटर से पीछे जा रहे हैं बैक, गाड़ी बैक में चल रही है, कोई ऑप्शन नहीं है इनका, उसको लग रहा है हमारे ऊपर चिढ़ गया है वो भाई, बोल रहा है क्यों जा रहा है इसमें इधर। हाँ भाई वो रोड पे चला जा रहा है, रुको अभी, हाँ आएगा तो दिखाता हूँ, लेट हिम कम हियर, ओके। या भाई अब भाई तो हाथी के दांत भी हैं बड़े बड़े, तो पता नहीं क्या कुछ ना कर दे, कोई बड़ी बात है, वो आ रहे देखो धीरे 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 करके आ रहे हैं, एकदम बच्चे की चाल की तरह आ रहे हैं देखो, रोड पे आ रहे हैं, कुछ कर ही नहीं सकते हम, क्या कर सकते हैं बताओ, वेट कर सकते हैं हाथी भाई साहब का बस। हाँ तो आ गया, I just don't want to get into a position where I'm close enough. Yeah. Because if he charges, probably 40 miles an hour, and I can't go 40 miles an hour backwards on this road. Bye. मत आ यार, क्या बिगाड़ा मैंने तेरा, बताओ छोड़ दे यार ना, ये आएगा ही, रोड पे किस तरह आते जा रहा है बताओ, और रोड पे चल रहा है भाई, अभी लगता है चलते रहेगा एक डेढ़ घंटे तक, गया भाई आ रहा है देखो भाई, अब रोड पे ही आ रहा है, रोड पे भाई अगर सफारी पे आओ तो पहले बाहर मत जाओ ही मत, अगर कुछ इमरजेंसी आ गई हो, जिस तरह मुझे मूत्र विसर्जन करना है, तो थोड़ा जानवरों का ख्याल रखना कि आसपास कोई हो ना, तो भाई थोड़ा जानवरों का ख्याल रखना कि थोड़ा हो सके छोटे छोटे जानवर हो ठीक है, लेकिन जीब्रास वगैरह पे अटैक नहीं करते हैं, लेकिन देख लेना बस भाई, सेल वगैरह का देख लेना, अगर लायन वगैरह मिले तो भाई फिर आपके इमरजेंसी में बन जाएगा, आपको इमरजेंसी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा देख लेना, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ करने के लिए, यहाँ पे हम लोग यहाँ पर हैं फिलहाल, काफ़ी शानदार व्यू है भाई। भाई साहब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि युगांडा के पास सबसे ऊँचा जिराफ है, सबसे टॉलेस्ट जिराफ है, और जिराफ में थोड़ा सा जो सेफ होता है डिफरेंट होता है, जो उसके जो कलर जो स्किन मतलब उसके शरीर पे जो धब्बा टाइप का जो होता है उसका डिफरेंट है। तो ये भाई साहब कुछ जिराफ्स हैं, अगर आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो ये है जिराफ्स, इस तरफ है 5-6 जिराफ्स हैं यहाँ पे। हेलो प्रिवियत प्रत कक देला से खरशो
ब्रेथ हेलो हेलो कुछ नहीं कर रहा भाई भाई इसका थोड़ा इस तरह होता है तंजानिया वाले जो जिराफ होते थोड़ा डिफरेंट थे यहाँ के जिराफ थोड़ा डिफरेंट है तो भाई यहाँ पे जिराफ भाई साहब खा रहे हैं कुछ कुछ टहनियों से हमारे सामने और एक हमारे सामने है जिराफ आ गया जिराफ नजदीक से देख रहा हूँ काफी भाई से तो उसके पीछे भी है भाई कितना ऊंचा है एकदम ट्री कितना ऊंचा है इसका साइज ऐसा है इसका मुंह के जैसा दिखता है छोटा सा मुंह है इसका साइज बहुत बड़ा है इसका इस तरह की कुछ कुछ है इनके ऊपर तो भाई जीब्रा की टेरिटरी में आपका स्वागत करता हूँ मेरे सामने काफी सारे जीब्राज हैं जीब्रा बोल रहा हूँ जिराफ्स हैं जिराफ की टेरिटरी में आपका स्वागत करता हूँ मेरे सामने ये देख लो जैसे ये भाई साहब एकदम यहाँ पे है इनफैक्ट उन्होंने तो अपना हमारा रोड ब्लॉक कर रखा है ये सामने भाई साहब देखो रोड ब्लॉक करके जा रहे हैं किधर ओ भाई हट जा रास्ते से नहीं हटेगा उधर कुधर है इधर देख लो भाई इधर ये दिख रहा जीबरा आपको ये वाला छोटा वाला ये जीबरा है छोटा वाला जीबरा नहीं वो पता नहीं क्या है उसका तो काफी सारे जीबरा हैं सीढ़िया में अभी तक ऐसा हाल है चलो वेट करते हैं लोगों का क्या कर सकते हैं तो गाइस हम लोग आ गए हैं एक ऑलमोस्ट इन पॉइंट तक मेरे इस तरफ दिख रहे होंगे ये है रिवर नाइल मेरे सामने है भाई साहब कुछ हिप्पो जो आपको मैं आपको दिखाता हूँ ये कहते हैं हिप्पो लैंड तो सरप्राइज मत होना लेकिन हाँ हिप्पो को देखते ही भाग जो भाई इतना खतरनाक होता है इतना खतरनाक होता है कार को कुछ चल देगा भाई कोई बड़ी बात नहीं उनके लिए ना ताकतवर होते हैं मुझे लगता है पता नहीं तो अच्छा है मेरे पीछे हिप्पो है बाहर निकलना अभी बिल्कुल खतरनाक है अंदर ही रहेंगे अंदर ही बात करेंगे मेरे सामने आपका बर्ड्स वगैरह दिखा दो मेरे सामने कुछ कुछ देखो भाई बर्ड्स हैं ये बर्ड्स और मेरे जो सामने दिख रहे हैं वो रिवर नाइल है द वाइट नाइल और कहीं ना कहीं हिप्पो इस झाड़ी में छिपा हुआ है अभी मैंने हिप्पो को देखा जैसे हम लोग को देखा वो भाग गया और भाई ये तो आके काइंड ऑफ पानी है बस गाड़ी फंसने जाए बंडा ऐसे जगह गाड़ी फंसेगी जहाँ बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा भाई ब्रिटेन स्टॉप बी केयरफुल अवर कार स्टूडेंट स्टक है बिकॉज आई सपोज इफ यू इफ आवर कार विल स्टक हियर देन देयर इज नो एनी वे वी कुड बी गोइंग आउटसाइड निकल जाते हैं यार इस तरफ से अच्छा खासा जगह है अगर भाई इसमें गाड़ी फंस गई भाई तो पता नहीं क्या होने वाला है इसे कॉल ही करना पड़ेगा क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा हमारे पास फिर सो बैड हाँ यहाँ पे ब्रिज भी है या मुझे भी उसके पास लग रहा है भाई कहीं खो है और बाहर निकल के अटैक नहीं करते कोई भरोसा नहीं भाई लोगों को डर लग रहा है क्या करें डर के आगे जीत है भाई हिप्पो ओ भाई थी स्टॉप 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 स्टॉप